राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अरहर की दाल। ये अरहर की दाल बहुत ही बेहतरीन बनता है, रोटी चावल पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, हमारा आधा किलो मात्र दाल है, क्योंकि हम चार पांच सब्जी बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब बनाते हैं। आधा किलो दाल है, इसको हम दो सीटी मरवा के और उबाल दिए हैं। पहले दाल को आप बढ़िया से धो लें, उसके बाद उबाल लें। ये देखिए, हम पतीला लिए हैं, उसमें 100 ग्राम रिफाइन ऑयल डाले हैं और उसी में 1 चम्मच जीरा और 8-10 कटी मिर्च और आधा किलो प्याज बारीक कटा हुआ। ये अरहर की दाल आपने बहुत सराहा है, इसके पहले भी मैं एक आपको अरहर की दाल डाला था वीडियो, उसमें बहुत लोगों ने देखा और बहुत पसंद किया है। अरहर की दाल इतना आसान तरीका है बनाने का कि कोई भी बना देगा। और यहीं पर हम आधा किलो से थोड़ा कम टमाटर रफली काट के डाल दिए हैं, चाहे तो पीस के भी आप डाल सकते हैं। और यहीं पर स्वाद अनुसार नमक, मतलब ये बिल्कुल आसान है दाल बनाना, इतना आसान दाल कोई भी नहीं है। और 1 चम्मच हल्दी डालते हैं ये आधा किलो दाल के लिए। अरहर की दाल कोई भी बना सकता है एकदम, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं डालना। जीरा, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, हल्दी, मिर्चा, यही डालना होता है, सबसे कम मसाले वाला। और देखिए, इसमें हम मिलाते हैं चावल का माड़, जो चावल हम छान के बनाते हैं उसमें माड़ निकलता है। आप चाहें तो गर्म पानी भी इतना डाल सकते हैं, ये आधा किलो दाल है। आप चाहें तो गर्म पानी उतना डाल सकते हैं जितना आपको पतला मोटा दाल चाहिए। ये दाल इतना बेहतरीन लगता है खाने में टेस्ट। मैं माँ राजमा की दाल अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, दाल तड़का डाल रखा हूँ, चने व्रत की दाल डाल रखा हूँ, बहुत दाल डाल रखा हूँ। इतने मेरे कस्टमर इतना इसको पसंद करते हैं कि पूछिए मत। हमारे यहाँ रोज़ बनता है दाल, या थोड़ा कम, हफ्ता में एक दिन नहीं बनता, नहीं तो 5 दिन बनता ही बनता है। तो इस तरह से आप दाल बनाएं और खाएं, हेल्दी रहें। ये देखिए, हमारा दाल हमने सर्व करके दिखाया है, चावल दाल खाने के साथ हम इसको इस तरह का बनाते हैं। आप चाहें तो रोटी के साथ पतला बनाएं। तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।